पौड़ी पहुंचे प्रदेश के पर्यटन और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बिलखेज क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेल को पर्यटन की दशा सुधारने का जरिया बताया है। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिले की दिशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक लंसडाउन से वापस लौटने की बजाय बिलखेज भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि नियार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें कैकिंग और राफ्टिंग शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमणीक स्थल में पहुंचकर कर सकते हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हमारे लंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएँ तो हजारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसपे हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं।